हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। टीकमगढ़ जिले के देहात थाना अंतर्गत नया खीरा गांव में 28/4/2020 को एक ऐसा मामला सामने आया है जहां लड़के के मां बाप का आरोप है कि हमारे 22 वर्षीय लड़के ने फांसी लगा ली है, लेकिन फांसी लगाने का कारण पता नहीं है। हम लोग तो रात में खाना खाकर सब लोग सो गए थे, सुबह देखा तो फांसी के फंदे पर झूलता मिला, जिसकी सूचना सरपंच और देहात थाना में दी थी। अब नाइट में लगा ली है, अब कोई घटना का कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को, कब बजे से लगाई हमने फांसी। सुबह जब जानकारी लगी, जब लोग फ्रेश फ्रेश होने जाने जाते हैं, जब गेट देखा उनका सो पता लगा के जो लोग तो फांसी लगाए बैठे। शादीशुदा थी जी? कितनी बच्ची थी? जो उसका बालक है। तो जो जैसे कि आत्महत्या करने का क्या मतलब कारण है जो उनने आत्महत्या की है? काफ़ी दिन से वे टेंशन लेता था बातों में, जब से शादी हुई उसकी चिड़चिड़ाता था और ऊपरी चक्कर में और ऐसी दवा दारू उसको हो गई थी, वो अटैक का झटका आया था उसको, तो उसमें टेंशन बना ली थी, दवाई हुई उसको तो पागलपन टाइप को हो गया था, वो चैटन लगा तो एक दूसरे से जल्दी तत्काल में दिखाओ है हमने, और हॉस्पिटल झांसी लुवा गए थे और जाके भोपाल जांच करवाई उसकी। नहीं, जो अभी आपकी घटना हुई इसकी सूचना कहाँ पर दी, कौन से थाने में दी थी? देहात थाने। कैसे घटना हुई है? हमें नहीं पता अभी थी। आप कहाँ थी? अपने माए की। फिर आपको कैसे सूचना मिली? सुबह पता चला जब इन लोगों ने देखा। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने किस हालत में देखा था उनको? वो तो ले जा रही थी पुलिस, हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, अपने माँ के पहले से गई थी। नया खेरा का मामला ये है कि वहाँ एक रूपेश सनोप लक्ष्मण हरवार 22 साल का फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है उसने, खत्म हो गया है। मर क्रमांक थाना देहात में 12/20/20 कायम किया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अभी, जैसे ही पीएम रिपोर्ट आती है उसकी जांच जारी है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।